हेलो दोस्तों, डी के ब्लॉग में आपका स्वागत है। और मैं जा रहा हूँ आज मनेरा आईटी ऑफिस, और मैं इस रास्ते जा रहा हूँ चुंगी बड़ी से होते हुए, और दिखाता हूँ आपको ये बड़ी थी वाली टनल। और मुझे जाना है सामने, वो सामने दिख रहा है आईटी ऑफिस, दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे। तो मैं जाऊँगा यहाँ टनल से, दिखाता हूँ आपको खूबसूरत व्यू, तो बने रहिए। दोस्तों चलते हैं यहाँ से आगे और दिखाते हैं आपको इधर के खूबसूरत से व्यू। ये मेन हाईवे वाली टनल है, गंगोत्री हाईवे, चुंगी बड़ीती के पास में ये टनल है। और अभी मैं इसी रास्ते जा रहा हूँ, जाना तो मुझे मनेरा है, लेकिन मैंने कहा एक ब्लॉग बना के निकलता हूँ यहाँ से। तो देखते रहिए मेरे साथ और एंजॉय कीजिए। अभी हम बड़ी थी टनल से जा रहे हैं और आज मौसम भी बहुत अच्छा है। कल तो बारिश हुई थी, बहुत ठंडा हो गया था, लेकिन आज मौसम एकदम सही हो गया। तो टनल क्रॉस कर दिए हमने, अब हम जा रहे हैं आगे की तरफ। तो देखिए दोस्तों कितने खूबसूरत पहाड़ है, वाह बहुत ही खूबसूरत। तो दोस्तों ये दिख रहा है सामने चुंगी बड़ी थी, और इसके ऊपर ये पहाड़ों के नज़ारे, वाह क्या खूबसूरत दिख रहा है। ये चुंगी बड़ी थी का मार्केट, ये पहुंच गए हम चुंगी बड़ी थी। तो बने रहिए गाइस, देखते रहिए डीके ब्लॉग, चलते हैं आगे। ये मेन हाईवे रोड है, ऋषिकेश देहरादून मसूरी जाने के लिए ये रोड यूज़ करते हैं, क्योंकि यहाँ की मेन हाईवे रोड है। और ये दिख रहा है नीचे मानसौड़, खेतों में हरियाली कितनी खूबसूरत दिख रही है। ये चुंगी बड़ी थी वाला मार्केट है, देख सकते हैं आप। अब हम जा रहे हैं नीचे मानसोड़ की तरफ, ये पहुंच गए मानसोड़ में। ये मानसोड़ का मार्केट है, ये बड़ी थी के नीचे, ये मनेरा की तरफ मिलता है इधर से, देख सकते हैं आप स्क्रीन पे। पहाड़ों के खूबसूरत नज़ारे, बहुत ही अच्छा दिख रहा है यहाँ से। तो बने रहिए, एंजॉय कीजिए, देखते रहिए। अभी दिखाते हैं आपको कुछ और। बहुत सुंदर सुंदर पहाड़ है उत्तरकाशी में। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ब्लॉग पसंद आ रहा होगा। ये सामने जो दिख रही है रोड, ये चामकोट दिलसोड़ की तरफ जाती है, और ये नदी है यहाँ की। आजकल नदी एकदम सूख गई है, बहुत कम पानी है। बहुत अच्छा व्यू है यहाँ का, बहुत अच्छा दृश्य दिख रहा है। बने रहिए, चलते रहिए। तो दोस्तों ये देखिए ऊपर ये दिख रहा है बड़े थी, जहाँ से हम अभी आए थे। और ये सामने वाली रोड जो दिख रही है चामकोट की तरफ जाती है। अब मैं अभी मनेरा पहुँचने वाला हूँ, तो बने रहिए, चलते आगे। वाह कितना अच्छा दृश्य दिख रहा है यहाँ से ऊपर, ये बड़े थी है। और अभी हम आ गए नीचे ये मनेरा वाली रोड पे, पहाड़ों के खूबसूरत नज़ारे दिख रहे हैं यहाँ से, बहुत ही सुंदर दिख रहा है। एंजॉय कीजिए और बने रहिए मेरे साथ। वाह पहाड़ कितने खूबसूरत नज़र आ रहे हैं यहाँ पे से, बहुत ही अच्छा दृश्य है यहाँ का। और ये जो है मनेरा वाला पुल है, बस पुल,
यहाँ से बस आती जाती है। कभी जब वो बड़ी थी में काम चलता है या उधर से रोड खराब होती है तो इसी पुल से गाड़ियाँ चलती है, फिर मनेरा वाला पुल। दोस्तों देखते रहिए और एंजॉय कीजिए। अब मैं मनेरा पहुँच ही गया हूँ, तो देखिए दोस्तों ये है मनेरा और ये सामने दिख रहा है ऊपर बड़ी थी। कितने अच्छे पहाड़ों के दृश्य यहाँ से दिख रहे हैं। ये आ गए, मनेरा पहुँच चुका हूँ। ये है मनेरा का मार्केट। बहुत ही अच्छा नज़ारा है यहाँ का भी, उससे भी अच्छा नज़ारा दिख रहा है यहाँ से पहाड़ों का। बहुत ही खूबसूरत पहाड़ दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे। ये सामने दिख रही है टनल बड़ी थी वाली, जहाँ से हम अभी आए थे। ये बिल्कुल जस्ट सामने भी दिख रहा है, उसी रास्ते अभी आए थे हम। ये देखिए टनल के ऊपर ये जो पेड़ है चीड़ के, कितने खूबसूरत दिख रहे हैं। इसी टनल से होते हुए हम अभी आए, दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे। अभी मनेरा पहुंच चुका हूँ, बने रहिए और देखते रहिए। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए। तो दोस्तों मैं यहाँ पहुँच चुका हूँ जहाँ मेरा काम है। ये सामने इधर ये है आरटीओ ऑफिस, और मैं बीच में वीडियो कर रहा हूँ स्किप। तो मिलता हूँ आपको, बने रहिए आप। तो मैंने बीच में वीडियो करी थी स्किप, तो मेरा काम वो हो चुका है जिस काम से मैं यहाँ आया था। और अब यहाँ से चलते हैं सीधे आगे। तो बने रहिए दोस्तों, देखते रहिए डीके ब्लॉग, और चलते आगे। तो दोस्तों निकलते हैं यहाँ से वापस। ये मनेरा से होते हुए हम निकल रहे हैं। कितना खूबसूरत दृश्य है यहाँ का, बहुत ही अच्छा नज़ारा है। ये सामने दिख रहा है ज्ञानसू। ये सामने क्या अंतु दिख रहा है, और ये मनेरा वाला झूला पुल है इधर। यहाँ से भी शॉर्टकट है रास्ता ज्ञानसू के लिए, पर मैं निकलूँगा ऊपर के रास्ते, जोशियाड़ा वाले बैराज से होते हुए जाऊँगा मैं। ये दिख रहा है ज्ञानसू का नज़ारा। ये सामने ज्ञानसू दिख रहा है, बहुत बड़ा क्षेत्र है ज्ञानसू का, काफ़ी बड़ा एरिया है। और ये नीचे दिख रहा है बैराज। और ज्ञानसू के ऊपर ये जो पहाड़ दिख रहे हैं, पहाड़ों का दृश्य लोगों को आकर्षित करते हैं अपनी ओर, बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है। और यहीं से आगे से एक रोड कटती है नीचे के लिए, जोशियाड़ा के लिए, जो बैराज से होते हुए निकलती है, तो मैं वहीं से जाऊंगा। और ये देख सकते हैं आप, ये दिख रहा है जोशियाड़ा वाला बैराज। तो इसी रास्ते से निकलूँगा मैं घर के लिए। सो गाइस देखते रहिए, ये दिख रहा होगा आपको जोशियाड़ा वाला बैराज, और सामने दिख रहा है ज्ञानसू। ज्ञानसू बहुत बड़ा एरिया है, बहुत बड़ा एरिया है ज्ञानसू। बहुत ही खूबसूरत जगह है।
और ये निकल रहा हूँ मैं बैराज वाले रास्ते। ये सामने है ज्ञानसू और ये नीचे झील दिख रही होगी। निकल रहा हूँ मैं यहाँ से जो सियाड़े के लिए। ये सामने ज्ञानसू यहाँ से बहुत अच्छा दिख रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है यहाँ से देखने में ज्ञानसू ना। ये पेड़ बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं इधर। तो मैं फाइनली जोशियाड़ा पहुंच चुका हूँ और ये सामने ज्ञानसू दिख रहा है। तो दोस्तों अब ब्लॉग को यहीं पे एंड करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट ज़रूर करिए दोस्तों। तो मिलता हूँ आपको अगले ब्लॉग में।